सोमदंत। हिमालय के वन में निवास करते एक सन्यासी ने हाथी के एक बच्चे को अकेला पाया। उसे उस बच्चे पर दया आई और वह उसे अपनी कुटिया में ले आया। कुछ ही दिनों में उसे उस बच्चे से मोह हो गया और बड़े ममत्व से वह उसका पालन पोषण करने लगा। प्यार से वह उसे सोमदंत पुकारने लगा और उसके खान पान के लिए प्रचुर सामग्री जुटा देता। एक दिन जब सन्यासी कुटिया से बाहर गया हुआ था तो सोमदंत ने अकेले में खूब खाना खाया। तरह तरह के फलों के स्वाद में उसने यह भी नहीं जाना कि उसे कितना खाना चाहिए। वहाँ कोई उसे रोकने वाला भी तो नहीं था। वह तब तक खाता ही चला गया जब तक कि उसका पेट न फट गया। पेट फटने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शाम को जब वह सन्यासी वापस कुटिया आया तो उसने वहां सोमदंत को मृत पाया। सोमदंत से वियोग उसके लिए असह्य था। उसके दुख की सीमा न रही। वह जोर जोर से रोने बिलखने लगा। सक्का, शक्र, इंद्र ने जब उस जैसे सन्यासी को रोते बिलखते देखा तो वह उसे समझाने नीचे आया। सक ने कहा, हे सन्यासी, तुम एक धनी गृहस्थ थे, मगर संसार के मोह को त्याग तुम आज एक सन्यासी बन चुके हो। क्या संसार और संसार के प्रति तुम्हारा मोह उचित है? सक के प्रश्न का उत्तर उस सन्यासी के पास था। उसे तत्काल ही अपनी मूर्खता और मोह का ज्ञान हो गया। मृत सोमदंत के लिए उसने तब विलाप करना बंद कर दिया।